नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमारे चैनल का नाम है पलम्बरमैन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करना ना भूलें और लाइक भी ज़रूर करें दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में हमेशा मैं कुछ आपको कुछ ना कुछ बतलाना चाहूँगा और कुछ ना कुछ आपसे सीखना चाहूँगा। तो आइए हम आपको बतलाते हैं डायमीटर सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने कंसील सिस्टम या फिर मिक्सर सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको डायमीटर सिस्टम के बारे में बतलाएंगे और साथ ही साथ बाथरूम में बाथ टब का सेटिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में बतलाएंगे और कमबोर्ड के बारे में भी बतलाएंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है पूरा का पूरा प्लम्बर के लिए ही बनाया गया है और प्लम्बर भाइयों के लिए ही डेडिकेटेड है। तो आइए हम जानते हैं प्लम्बर के कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो आइए हम एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं हमारे वीडियो में, कि ये हमारा डायमीटर सिस्टम है। डायमीटर सिस्टम भी बहुत तरह के आता है। एक कोलर डायमीटर आता है, ये एक सिंपल वाला है। कोलर डायमीटर में ये वाला सिस्टम जो है कुछ कुछ उल्टा रहता है और ये सीधा दिया हुआ है। तो अभी आप सामने देख रहे हैं कि हमारे सामने जो ये शावर का पॉइंट है। दोस्तों, आप जब भी झरने का पॉइंट दें तो 7 फीट पर ही दें, 7 फीट से कम न दें, यदि या 7 फीट से ज़्यादा भी ना दें। यदि आप 7 फीट से ज़्यादा देते हैं तो आपको बेहतर होगा कि सीलिंग शावर का ही पॉइंट दें, और नहीं तो 7 फीट पर ही पॉइंट दें। उससे कम देंगे तो आपको फेस पे पानी खुल के नहीं मिलेगा। अब आइए दोस्तों, हर एक पॉइंट्स के बारे में आपको बतलाते हैं कि कौन सा पॉइंट्स किस चीज़ के लिए दिया हुआ है। जैसा कि आप शावर के नीचे का ये जो स्पॉट देख रहे हैं, शावर के नीचे का नल का पॉइंट है ये, और ठीक इसके ऊपर शावर है। ये आपका डायमीटर है, और अभी जो सामने आप देख रहे हैं जो पाइप फिटिंग हो रहा है, हमारे मिस्त्री जो हमारे सपोर्टर हैं वो जो पॉइंट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट मोटर का जो पानी होता है उसका कनेक्शन हो रहा है इस बाथरूम में। ठंडे गर्म का पॉइंट्स के साथ साथ ताज़ा पानी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, अब हम आपको बाथ टफ के बारे में बतलाएंगे। ये जो हमारा जो पॉइंट है ठंडे और गर्म का पॉइंट, ये यहाँ पे बाथ टफ लगाया जाएगा और इसी दोनों पॉइंट्स के माध्यम से इसमें मिक्सचर लगाया जाएगा और फिर इसमें बाथ टफ का कनेक्शन किया जाएगा। ये हमारा गीज़र का पॉइंट है। दोस्तों, जब भी आप गीज़र का काम करें तो गर्म पानी का जो कनेक्शन है हमेशा बाएं तरफ करें और ठंडे पानी का जो कनेक्शन है हमेशा दाएं तरफ करें। और तो और, जब भी आप ठंडे और गर्म पानी का बाथरूम का फिटिंग करें, या तो आप सी पीवीसी पाइप से फिटिंग करें या फिर फुल्ली जीआई पाइप का इस्तेमाल करें। पीवीसी पाइप से आप कभी भी ठंडे गर्म पानी का काम ना करें। पीवीसी पाइप में प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि अभी 1-2 साल बाद यहाँ से पाइप पिघलना शुरू हो जाता है और फिर यहाँ से लीकेज होना शुरू हो जाता है। यदि सी पी वी सी पाइप का यूज करते हैं तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जे आई पाइप में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही पी वी सी पाइप से आप गर्म पानी का कनेक्शन देते हैं तो यहाँ से पाइप हमेशा पिघलना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके, और ये बहुत दिनों के बाद पता चलता है। 1-2 साल के बाद भी पता चल सकता है, 6 महीने के बाद भी पता चल सकता है। तो ये है हमारा बाथटब का पॉइंट का कनेक्शन, और ये वो कनेक्शन है जिससे पूरे बाथरूम में पानी का सप्लाई आएगा। और ये हमारा टॉयलेट का जो नल का पॉइंट है उसका पॉइंट है, और ये जो है जेट का पॉइंट है, जो कमबोर्ड में जेट लगता है उसका पॉइंट है, और ये हमारा फ्लश का पॉइंट है। अभी हम आपको पूरा पाइप का सिस्टम का वीडियो दिखाने वाला हूँ। अभी आप सामने आप पूरा वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको शावर के नीचे का नल का पॉइंट दिखाया जा रहा है, शावर का पॉइंट भी साफ साफ दिखाया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको जो डायरेक्ट मोटर का जो कनेक्शन का पानी आता है उसका भी पॉइंट का काम आपको दिखाया जा रहा है, और ठंडे और गर्म पानी का जो पॉइंट है गीज़र का वो भी दिखलाया जा रहा है, और ठीक उसके नीचे आपका जो बाथ टब में जो ठंडे और गर्म पानी का जो मिक्सचर का कनेक्शन होगा उसका भी पॉइंट दिखाया जा रहा है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमने हमारा दीवार जो टूटा हुआ है उस पर थोड़ा सा कपड़ा या बोरी लगाकर इसको
मुंह को बंद किया हुआ है, वैसा इसलिए किया हुआ है ताकि सामने सामने सनलाइट आने से हमारा वीडियो ख़राब ना हो। दीवार काफ़ी कमज़ोर है दोस्तों, इसलिए दीवार बहुत ज़्यादा टूट गया है, लेकिन इसमें काम अच्छे तरीके से हो गया है। अभी आप पूरा का पूरा कनेक्शन देख रहे हैं दोस्तों हमारे वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं एक कमबोर्ड का जो SWR पाइप का फिटिंग है उसका भी काम किया हुआ है और उसके मुंह को पैक किया हुआ है ताकि उसमें मसाला ना जा सके, सीमेंट और बालू का गर्त उसमें ना जाए। और आप ठीक उसके नीचे जो 1/2 इंच का पाइप देख रहे हैं उसमें आपका जो मोटर का जो ताज़े पानी का जो कनेक्शन है उसका लाइन आपको दिखाया गया है और ठीक इसके ऊपर में इसका पॉइंट मिलाया हुआ है। दोस्तों जब भी आप किसी बाथरूम में 2 पॉइंट का काम करें तो इसको लेवल लेके मैच करना ना भूलें। अभी इसको लेवल किया जाएगा, इसको ठीक किया जाएगा। अब आपको बाथ टब जो आने वाले समय में लगेगा फिनिशिंग वर्क के समय में उसके तरफ आपको ले चलते हैं। दोस्तों अभी आप हमारे सामने एक बाथ टब देख रहे हैं, अभी इसका हालत बहुत ख़राब है, लेकिन जब ये फिट हो जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही मस्त लगेगा। और इसमें आप नहा भी सकते हैं दोस्तों, मगर आप नहीं, हमारा क्लाइंट इसमें ना आएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टब का जो है ओवरफ्लो का बेस्ट वाटर का जो कनेक्शन है उसका दिया हुआ है और ये हमारा ओवरफ्लो का ऑप्शन दिया हुआ है। अब चलिए आपको नीचे से दिखलाएंगे। ये जो हमारा बेस्ट वाटर का जो ऑप्शन है CPVC पाइप का FTA लगा हुआ है 1.5 इंच का, इससे हम बाइंड करके और आपको SWR फिटिंग का जो 4 इंच का ट्राफ आता है उसमें गिरा देंगे। और ये हमारा जो 1 इंच का FEBT लगा हुआ है इससे भी हम बाइंड करके 4 इंच का ट्राफ में ओवरफ्लो कर देंगे। दोस्तों इसमें थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है। दोस्तों अभी आप ठीक सामने हमारे सामने बाथरूम के बाहर का जो डाइनिंग हॉल का जो पोजीशन देख रहे हैं उसमें हमने एक बेसिन का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक पेडेस्टल बेसिन लगाया जाएगा। और ठीक इस डाइनिंग के पिछले भाग में दूसरे भाग में जो ऑप्शन दिया हुआ ये पूजा रूम है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नल दिया गया है। अब आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं कौन सा पॉइंट कैसे कैसे दिया हुआ है और किस तरह से पाइप का बाइंडिंग किया हुआ है। दोस्तों डायमीटर सिस्टम का बाइंडिंग जो होता है पाइप से 1/2 इंची पाइप से, इससे बढ़िया बाइंडिंग नहीं किया हुआ मिलेगा आपको। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाइप का कनेक्शन लगाया हुआ है दोस्तों और इतनी छोटी सी जगह में बहुत सारा चीज़ किया हुआ है इसमें। अभी इस पोजीशन में आप देखेंगे यहाँ पे आपका कमबोर्ड लगाया जाएगा, आने वाले समय में फिनिशिंग वर्क किया जाएगा और ठीक यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गड्ढा, यहाँ पे आपका बाथटब लगाया जाएगा और ठीक इसके इस साइड में आपका ठंडे गर्म पानी का कनेक्शन किया हुआ है और ये शावर सिस्टम। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं या कमेंट्स करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कुछ अलग करने का चाह मन में पैदा होता है दोस्तों। तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ाएँ और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे वीडियो को कमेंट्स भी करें कि हमने कैसा वीडियो बनाया। अगर कुछ गलत किया है तो भी बतलाएं, कुछ सही है तब भी बतलाएं।